हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपसे सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उससे रिलेटेड बात करने वाला हूं और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक डाइट्स एंड प्रिकॉशंस भी बताऊंगा। और इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसमें मैंने जो डाइट बताया था और जो मैंने फर्स्ट से थर्ड मंथ तक के बीच का जो एक्सरसाइज है, प्रिकॉशंस है, वो जो बताया है, वो सारे के सारे इसमें फॉलो करने हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और साथ में कुछ चीजें ऐसे हैं जो सेकंड ट्राइमेस्टर में नहीं करने हैं जो हम पहले कर रहे थे 1 से 3 महीने में। लेकिन जो डाइटरी हैबिट्स है उसमें थोड़ा सा चेंज है और एक्सरसाइज उसमें थोड़ा सा चेंज है जो मैं बताऊंगा। पहले ये समझना पड़ेगा जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, जो 4th, 5th और 6th मंथ होता है, उसमें जो फीटस होता है और जो मदर है उसका क्या कंडीशन होता है। इसमें क्या होता है कि 4th, 5th और 6th मंथ में बेबी का ग्रोथ थोड़ा फास्ट है और इसमें जो है सो लिम्स काफी क्लियर दिखते हैं, हार्ट बीट फील कर सकते हैं, बॉडी मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगा और जो कॉम्प्लेक्शन एंड स्ट्रेंथ है बेबी का वो काफी बढ़ जाता है और मदर काफी कमजोर, यानी कि स्ट्रेंथ और जो कॉम्प्लेक्शन होता है मदर का वो कम हो जाता है। और इसमें काफी ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि आपको डाइट में राइस का जो सूप है वो ले सकते हैं, यानी कि राइस वाटर, मूंग दाल जो हरा सा ग्रीन मूंग होता है उस दाल का भी आप पानी बना के पी सकते हैं, मतलब उसका सूप, और थोड़ा सा घी भी यूज करना है आपको। साथ में जो कलरफुल जितने भी कलर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, वो लेना है, जैसे एप्पल हो गया, कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, इस तरीके से कलरफुल फ्रूट्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। ध्यान रखना है कि कुछ इस तरीके का यूज़ नहीं करना है जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो, मिसकैरेज हो, लाइक पपाया एंड इसी से रिलेटेड जो सिस्टम को फ्लश करता है उस तरीके की चीज़ों को नहीं लेना है। बॉडी का जो पोस्चर है वो मैंने फर्स्ट वाले अपने वीडियो में मैंने बताया था कि मूवमेंट्स क्या होना चाहिए आपका, सिटिंग पोस्चर, स्लीपिंग पोस्चर एंड इच एंड एवरी जो पोजिशन है वो आपको ठीक से रखना है। या किसी तरह का ड्राइव भी कर रहे हैं तो आपको लेग ज़्यादा यूज नहीं करना है, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको रिलैक्स मोड में बैठना है, आपको ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठना है, मतलब आपको ड्राइव नहीं करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर इसी कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर का 5th मंथ और उसके बाद में 6 मंथ के बीच में क्या होता है कि किसी तरीके का इंट्रायूटेरिन जो ग्रोथ होता है बेबी का उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, मतलब कि जो बेबी का ग्रोथ है कई बार कम होता है एज कम्पेयर टू जितना होना चाहिए नॉर्मली, तो इस तरीके का भी प्रॉब्लम किसी को आ जाता है। उससे रिलेटेड क्या है कि एक सालपर्णी एक पौधा होता है उसका जो है सो दूध में डिकॉशन बनाना है, काढ़ा बनाना है और ले सकते हैं। और कई बार इन्फेक्शन ना हो और किसी तरीके का मिसकैरेज या इस तरह का कोई इशू ना हो तो आप थोड़ा सा गिलोय का भी यूज कर सकते हैं दूध में डाल के, इससे क्या है कि आपका जो भी इन्फेक्शन है वो भी नहीं होगा और जो ग्रोथ होने की वजह से जो एयर आता है, क्योंकि इस वक्त जब ग्रोथ होता है बेबी का स्ट्रेंथ बढ़ता है तो इसमें कई बार वात आने के चांसेस रहते हैं, तो इसमें वात इन द सेंस की एयर, एक्सेस एयर जो आता है वो दिक्कत करता है, तो आप इसको भी ले सकते हैं, इससे आपका इन्फेक्शन भी रुक सकता है। और इस तरह के डाइट्स को आपको फॉलो करना है जो मैंने बताया हुआ है। और प्रोटीन जो लेना है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोटीन यूज़ करना है, जिसमें कि मैंने मूंग दाल का जो पानी बताया, चावल बताया और जो बाकी फ्रूट्स बताए। एक्सरसाइज में आपको क्या नहीं करना है वो समझिए और किस तरीके से उसमें चेंजेस है मैं बता रहा हूँ। जो मैंने फर्स्ट वीक में बताया था कि आपको शशकासन, शशांकासन जो करना है उसमें जो फॉरवर्ड बाइंडिंग करते हैं वो देख लीजिए, यहाँ पे फॉरवर्ड बाइंडिंग करते वक्त में फॉरवर्ड बाइंडिंग करते हैं हम शशकासन में, इनहेल आपको, चूंकि आपका सेकंड ट्राइमेस्टर में इतना स्पेस नहीं होता कि आप पूरा नीचे जा सकते हैं, तो आपको करना क्या है, या तो आप थोड़ा सा स्ट्रेच करके हल्का स्पाइन को सीधा रखना है, मतलब इसका इसके बीच में स्ट्रेंच नहीं आएगा, स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइन को सीधा रखना है, सीधा रख के जितना जा सकते हैं आप आराम से इसको शिफ्ट करके नीचे जा सकते स्ट्रेच नहीं करना है, चिन को डाउन, चिन डाउन वापस ऐसे पोजीशन में, अगेन स्ट्रेच, चिन डाउन, चिन को स्ट्रेच नहीं करना क्योंकि इसके ऊपर आपको स्ट्रेच हो सकता है ज्यादा, तो ये और चक्कर आ सकता है, डिजनेस हो सकता है, नर्व कंप्रेस हो सकता है, इसीलिए इसको चिन अप नहीं करना है आपको, सिंपल रखना। दूसरा ऑप्शन है कि और नीचे जाना चाहते हैं तो कुछ सपोर्ट करके, सपोर्टेड कुछ ऐसा डाल के आप ये भी रख सकते हैं ताकि ये सपोर्टेड रहे और ये एरिया आपका बिल्कुल ब्लैंक रहे। तो आप इस एक्सरसाइज को करना है जो मैंने बताया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो होता है वो कंप्लीट डाउन जाते हैं, इसमें आपको कंप्लीट नीचे नहीं जाना है, इसको थोड़ा सा सेफ्टी के साथ करना है। रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज में आपको सब कुछ सेम करना है, जो मैंने स्कर्ट्स बताया था आपको
स्प्रेड भी करना है, आप 8 मंथ तक कर सकते हैं, 8.5 मंथ तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये बिल्कुल ही जो कॉमन स्ट्रेचिंग्स वगैरह सारे बताए हैं मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं वो सारी चीजें एज इट इज आपको करना है। कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो चूंकि इसमें अपर बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज जरूर करना है क्योंकि ऑक्सीजन आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए होता है इस वक्त, तो लंग्स का पूरा कैपेसिटी होना चाहिए। तो जो कुछ भी आप एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं, लेकिन ये आपको इसकी स्ट्रेचिंग जरूर करनी है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल इस पूरे रिबकेज को स्ट्रेच करना है, एक्सहेल मतलब अपर बॉडी पार्ट में जितना स्ट्रेंथ होगा उतना अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आप ले सकते हैं क्योंकि इतना पोर्शन आपका बिल्कुल एंगेज रहता है, डायफ्राम से लेके पूरा लोअर एब्डोमेन तक का स्ट्रेच हो जाता है, तो यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं मिलता है, तो जो थोड़ा बहुत ही स्पेस है आप यहाँ आप कवर कर सकते हैं। अपर बॉडी पार्ट का स्ट्रेंथ जरूरी भी होता है, ऑक्सीजन हमेशा आपको जरूरत होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर वक्त चाहिए, आप कितना भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं न्यूट्रिशन अपनी जगह पे है, न्यूट्रिशन के साथ साथ जब तक ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं जाता है तब तक आपकी आपका जो भी न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड में नहीं जा पाता। तो अभी के लिए फिलहाल आप इतना समझिए कि क्या क्या एक्सरसाइज करने हैं, मैंने ये सब बता दिया है कि किस तरीके से ग्रोथ होता है इनका और इस वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको किसी तरह का कोई डिजीनेस या कुछ सफोकेशन या कुछ ऐसा कोई इशू आता है तो आप थोड़ा सा दूध में जो आधा कप एक कप दूध ले लीजिए पानी मिला के, उसमें सौंठ का पाउडर बॉइल करके ले सकते हैं कभी भी जब भी कुछ इस तरह का कोई इशू आता है, और भी कोई वीकनेस है किस तरीके है कोई इशू आता है तो ऑक्सीजन का इनटेक आपको ज़्यादा होना चाहिए, मतलब प्रॉपर इनहेल एक्सहेल वो टेक्निक्स भी मैंने पहले वीडियो में बनाया हुआ है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।